लालकुआ विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपना नामांकन पत्र भर दिया है। आपको बता दें कि आज वो अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ लालकुआ तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। जानकारी के मुताबिक हरदा अपने समर्थकों की नाराजगी के बीच तहसील कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि लालकुआ क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद के बिना कांग्रेस की सत्ता वापसी नहीं होगी, इसीलिए वो आज लालकुआ की जनता से उनके हिस्से का आशीर्वाद मांगने आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार पूरे प्रदेश में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए जनता छटपटाती दिख रही है। वहीं उन्होंने लालकुआ में विकास के नए आयाम स्थापित करने की बात कही है। उत्साहित महसूस कर रहा हूँ, कांग्रेस कार्यकर्ता सन्नद हैं और सबसे बड़ी बात यह है, ये चुनाव में जनता मानस बना चुकी है, बल्कि ये चुनाव जो जिसमें 14 फरवरी को वोट पड़ेंगे, उत्तराखंड की जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी स्थानीय जनमानस को मतलब उत्तराखंड की जनता जनार्दन है, आर के निकम्बेपन से ऊब गए हैं, जन विरोधी रवैये से ऊब गए हैं, और उन्होंने जिस तरीके से उत्तराखंड के स्वाभिमान को तीन तीन मुख्यमंत्री बदल करके ठेस पहुंचाई, हमारे विवेक का मजाक उड़ाने का काम किया है, उससे जनता प्रतीक्षा कर रही है कब वोट देने का समय आए और हम भाजपा को वोट आउट करें, निकाल बाहर करें। पिछले दो दशकों से यहां तो राष्ट्रीय मिलन पाता, मैंने आपकी सरकार आई तो इस बारे में मैंने कहा ना कि पिछली बार मैंने एक सॉल्यूशन निकाला था, जी जी जी, लेकिन वो सॉल्यूशन दमवा डुगा में तो काम कर गया, मगर हम बिंदु खत्ता के लोग माने नहीं और इस कारण हमने फिर उस पर जोर नहीं दिया। आपके बिंदु खत्ता की आज्ञा राजस्व गांव की है, हम उसको पूरा करेंगे। हर खबर में होगी हमारी नजर, खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।